एंगल में जो छह रेशियो होता है उन्हीं से मिलाकर कुल टोटल थ्री आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम लोग किसी भी एंगल्स के रेस्पेक्ट में किसी का साइन वैल्यू, टैन वैल्यू, कॉस वैल्यू, जब हम लोग उसका फाइंड आउट करते हैं तो एक उसमें एक रिलेशन आता है जो फिक्स होता है, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए सेम रहेगा ऑलवेज। तो उसमें आइडेंटिटीज कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फॉर्मूलेशन, एक ऐसा फॉर्म होगा उन छह रेशियो में जिसपे हम उस थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा उसका LHS RHS सेम होगा। आइडेंटिटीज कहने का मतलब एक जस्ट एक फार्मूला है, वो फार्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमेशा वो वैल्यू सेम आएगा, LHS और RHS इक्वल आएगा आइडेंटिटी में, और वो आइडेंटिटी मात्र TD है। एक बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बी ये तीन आइडेंटिटी है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको हमने आइडेंटिटी क्यों बोला इन सभी को, क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग उसे कहते हैं जिसमें इस दिए गए फॉर्म में जो इक्वेशन है, इस दिए गए स्टेटमेंट में थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे तो उस केस में LHS और RHS क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दिए गए आइडेंटिटीज में थीटा के जगह पर किसी भी तरह का हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे हमेशा सेम होगा। सपोज हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, हमने कोई साइड लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर अगर निकालना चाहेंगे साइन थीटा, ये आपका थीटा है, एंगल सी जो है आपका थीटा है वो एक्यूट एंगल है, और साइन थीटा पी बाई बी, पी बाई एच, और ये हो गया मेरा क्या पी, यानी इसके सामने परपेंडिकुलर कौन थ्री, यानी थ्री बाई फाइव। उसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे वो होगा मेरा बी बाई एच, तो बी यहाँ क्या हुआ फोर, इसके सामने ये किस पे एंगल बना हुआ है, मैंने बताया अभी कि बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मान के नहीं चलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, आपको देखना होगा कि इसमें एंगल किसके रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन के किसी और एंगल पे अगर निकालेंगे तो वैल्यू वो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस फोर बाई फाइव, अब हम जब ये करके देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये क्या आएगा मेरा, साइन थीटा थ्री बाई फाइव, इसका मतलब थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर, यानी कितना नाइन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस 16 बाई 25। हालांकि कुछ बच्चों को ये सब पता होगा, साइन कॉस या टेन तक को पता होगा, लेकिन मेरा मेन जो पर्पस था बताने का वो ये था कि आइडेंटिटी हमेशा वैसे ही होते हैं जिन पे हम कोई भी एंगल अगर पुट करें तो उसके लिए वैल्यू हमेशा जो जो LHS होगा, जो वैल्यू होगा, जो RHS वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। LHS RHS का वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगा मेरा, सेम होगा, ऑलवेज सेम होगा। कुछ इसमें एंगल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ऐसे ही अगर आप लोग ये बी और सी के सेक्शन के लिए भी करेंगे वो भी सेम वैसे ही आएगा, वन ही आएगा ऑलवेज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन,
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ट्रिगोनोमेट्रिक्स के बहुत सारे, खासकर जिससे कुछ बच्चों को आइडेंटिटी सॉल्व करने में परेशानी होती है, उसके लिए सबसे बेसिक रूल है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी को अगर आप सॉल्व करने जाएं, तो मेरा मानना है उसमें कि आप हमेशा उसी चीज़ को अप्लाई करें जहाँ पर आइडेंटिटी में जिधर क्वांटिटी ज़्यादा हो। हम कोई भी आइडेंटिटी को LHS से RHS प्रूफ करते हैं या RHS से LHS प्रूफ करते हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि किधर जो है वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि छोटे से बड़े वैल्यू लाना और बड़े से छोटा वैल्यू लेना, तो आपको बड़े वैल्यू को लेकर अगर आप चलेंगे, छोटे वैल्यू लाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा ईजी होगा और बहुत जल्दी बनेगा वो आपको मैथ्स, ना कि आपको छोटे वैल्यू को लेना है उसको बड़े में कन्वर्ट करना है। हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको LHS RHS को इक्वल दिखाना है, इसीलिए आपको कोशिश यही रखना है कि हम बड़ा वैल्यू लें और बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर दें।